निकले सर पारादीप फॉस्फेट। सर तेजी चल गई है, चलने दीजिए, सिर्फ एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आज का जो डे लो है वो एक स्टॉप लॉस होगा और 57 एक रेजिस्टेंस होगा, इसको क्रॉस करेगा तो आप 52 रुपीस के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा लॉन्ग साइड पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने नीचे से ले रखा है 42 रुपए के आसपास से तो मेरे लिए 52 रुपीस का स्टॉप लॉस ट्रेल करो सर, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। ठीक है, ये रहा है पारादीप फॉस्फेट पे। मैं ये क्यों चीजें कह रहा हूँ कि कैश में डर मुझे ज्यादा लगता है, आप अडानी पावर को देख लीजिए, 2 दिनों से लोअर सर्किट लग रहा है। मैं परसों के दिन सेशन ले रहा था तो थोड़ा सा अडानी के ऊपर मतलब पावर के स्टॉक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो कैसे तेजी पकड़ा और अगर लोअर सर्किट लगा तो दिक्कत की बात हो सकती है। तो स्टॉक ने ऑलरेडी रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे 150 से लेके स्टॉक 400 तक चला गया, तो जिसने 150 पे लिया है वो तो कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये लोअर सर्किट जब लगना चालू होते, कल मुझे आई थिंक कहीं पे मैंने देखा है फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था कि कल भाई ने जब ऊपर चला गया था स्टॉक तभी लिया है, 410 या फिर कुछ लेवल था तभी लिया था, मतलब सब कुछ होने के बाद अगर आप उस लेवल के ऊपर लेते हो तो थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है। आप ऐसे स्टॉक को तभी ले, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या स्टॉक को वीकली मंथली ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक्स को ना ले, आवरली चार्ट के ऊपर अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो आप इसमें पोजीशंस बना सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि गाड़ी में पहले चढ़ना है आपको, बाद में नहीं तो दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये जो आपने अभी प्रदीप का जो भी कुछ काउंटर है वो आपने जस्ट डिस्कस किया, तो 50 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हो।